दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भोजपुरी की एक और अच्छी फिल्म निकल के आई है जिसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। फिल्म का नाम है देवरानी जेठानी। इसमें जो है जो स्टार कास्ट है, भोजपुरी के नंबर वन एक्ट्रेस काजल राघवानी है, भोजपुरी के ही नंबर एक और एक्ट्रेस है रिंकू घोष, और सबके चाहते संजय पांडे। तो बात करते हैं कि ये ट्रेलर जब मैं देख रहा था तो मुझे कैसा लगा। जब दोस्तों अगर सच कहूँ ना, तो मुझे फिर से विश्वास हो गया है कि वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री बदल रही है। इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी ये आप नहीं सोच पाओगे कि कहीं द्व्यर्थी संवाद आपको नहीं मिलेगा देखने को, कहीं भी फुहरता नहीं मिलेगी, कहीं भी अश्लीलता नहीं मिलेगी, जो भोजपुरी जिस चीज़ से जानी जाती थी कि भोजपुरी मतलब फुहरता होगी, कॉमेडी वही सरे गले टाइप का होगा। इस फिल्म में रियल कहानी दिखाई गई है। रियल कहानी का मतलब है कि एक देवरानी जेठानी जब शादी के बाद ससुराल में आती हैं तो दोनों में छोटी छोटी बातों पर कितना तकरार होता है, और वही तकरार एक बड़े चीज़ में तब्दील हो जाती है। बात भाइयों के बीच आता है, बात नहीं बन पाती है, काम का बंटवारा इसमें किया जाता है, उसमें भी बात नहीं बन पाती है, तो फाइनली भाइयों में बंटवारा होता है, जो रियल हम लोगों के जीवन में होता है, हर गांव में होता है, हर घर में होता है। यही बात देवरानी जेठानी में पड़ती नहीं है। बाद में भाई पे आता है, भाई बंटवारा कर लेता है, उससे भी नहीं हो पाता है तो किसी को घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो रियल लाइफ स्टोरी है। आप इस ट्रेलर को देखोगे तो आप देखोगे तो ट्रेलर, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद से रिलेट कर पाओगे कि यार मेरे घर में तो यही चल रहा है। तो इसी पे कहानी आधारित है, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। और इस कहानी में क्या क्या घटनाएं होती है, रिंकू घोष का जो इसमें एक्सीडेंट होता है, उसके मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इस कहानी में क्या नया मोड़ आता है, ये सारी ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगी। आप लोग अगर ट्रेलर नहीं देखे हैं, ये ट्रेलर बिफोर यू भोजपुरी पे रिलीज किया गया है। ट्रेलर का जो है टाइम ड्यूरेशन 3 मिनट 30 सेकंड का है। तो अभी तक इसका कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं निकल के आया है कि ये फिल्म कब रिलीज होनी है। अगर कुछ ऐसा आता है तो हम जरूर आप लोगों के सामने ज़रूर आप लोगों को उसका अपडेट दे देंगे। मैं यही कोशिश में लगा हुआ हूँ कि भोजपुरी की जब भी अच्छी फिल्में बनेंगी, मैं ज़रूर उसको आगे लेके जाऊँगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और सभी को करना चाहिए, हमारी भोजपुरी है, भोजपुरी की मिट्टी की अलग खुशबू होती है। मैं खुद पे गर्व करता हूँ कि मैं एक बिहार से हूँ, और मुझे अच्छा लगता है अगर भोजपुरी फिल्म अच्छा अगर बनाई जाती है तो हम सभी के लिए खुशी की बात है। साफ़ सुथरी फिल्म हो, कोई फुहरता नहीं हो, कोई अश्लीलता नहीं हो, कोई द्व्यर्थी संवाद नहीं हो। तो आज के वीडियो में यही था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। और जो भी मित्र हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो और कुछ नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।